हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। देन आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड को ऐड करना है। इस बैकग्राउंड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको बैकग्राउंड को थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको इरेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको इन्वर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रेस्टोर में क्लिक करके आपको फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद पर्सन के आउटर पोर्शन में इसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली थर्ड वाला ऑप्शन इफेक्ट्स पे क्लिक करके आपको ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद लास्ट वाला ऑप्शन कलर्स के ऊपर क्लिक करके आपको ह्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ह्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पसंद की कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपकी पसंद की कलर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इरेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इरेज के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करने के बाद आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है। यानी आपको रेस्टोर पे क्लिक करके फोटो को जूम करके पर्सन की ब्लेजर और पैन के ऊपर अप्लाई करना है इस टूल्स को।
उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको विंग्स के एक पीएनजी को ऐड करना है। ठीक है, आपको सिंपली विंग्स के पीएनजी को ऐड करना है। इस पीएनजी का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को ऐड कर लेना है विंग्स पीएनजी को। ठीक है, ये पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, पर्सन के इस पोर्शन में पीएनजी को थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको एडजस्ट कर लेना है, पर्सन के साथ एडजस्ट करके आपको रखना है इस पीएनजी को। ठीक है, इस जगह पर आपको रखना है अच्छे से एडजस्ट करके। उसके बाद आपको थोड़ा और जूम करना है पीएनजी को। जूम करने के बाद आपको इरेज के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको इरेज पे क्लिक करके पर्सन के इस पोर्शन में इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे जाके सेकंड वाला ऑप्शन टूल्स पे क्लिक करके एडजस्ट पे क्लिक करना है, देन आपको थर्ड वाला ऑप्शन क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको सेचुरेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है, नीचे हाईलाइट के ऊपर क्लिक करके हाईलाइट को थोड़ा डिक्रीज करना है। उसके बाद आपको शैडो के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको शैडो को थोड़ा इंक्रीज करना है। ठीक है, शैडो को इंक्रीज करने के बाद आपको कर देना है डन। तो ये हो गया, आप देख सकते हो फोटो कैसा यूनिक और प्रोफेशनल लग रहा है देखने में।